शो के बाद अच्छा लगता है बहुत। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, विनर बन गया क्या? जी जी सर। बस ये कहना चाहता हूँ, आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए मुझ पर, और इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड हैं, सिर्फ राइजिंग स्टार नहीं, इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड हैं वो आपके चरणों में आएंगे, और ये मेरा विश्वास है। आप बस प्यार देते रहिए, कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा। किस तरह की जर्नी रही आपकी इन राइजिंग स्टार की? आपके स्टेशन जो अपोजिट थे बहुत हो गए, बहुत टैलेंटेड थे, उनके साथ जीत कराना कितनी बड़ी बात होती है। बहुत बड़े, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ मेरा टाइप रहा, और राइजिंग स्टार में सफ़र बहुत बेहद खूबसूरत था। दो सारे दोस्त थे मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और रोहन भाजी और विष्णु माई के लिए बहुत बुरा भी लगा कि अगर उनमें से कोई भी विनर बनता मुझे उतनी खुशी होती जितनी मुझे अपने पे हो रही, क्योंकि दोनों मेरे बहन भाई हैं। विष्णु माया वॉज लाइक माई यंगर सिस्टर, एंड रोहन भाजी वॉज एज लाइक माई एल्डर ब्रदर। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, एंड गॉड ब्लेस देम कि उनको आगे काम मिले बहुत ज़्यादा, और मुझे भी मिले। सो आई एम होपिंग कि सब अच्छा हो, इसके बाद सब अच्छा होगा, गोल्डन गोल्डन होगा सर। जब मैंने परफॉर्म किया था पहले, सबसे पहले तो मुझे लगता था मैं सूफी गाता हूँ, तो सोच की दीवार ऐसे उठी कि मैं और तरह के गाने भी गा सकता हूँ, तो ये राइजिंग स्टार की वजह से हुआ। मुझे गाने मिले, सूरमा में गाना गाया, गुलजार साहब ने लिरिक्स लिखे, शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक दिया है, तो और जीनियस फिल्म में भी गाया है, तो इस शो से 3-4 दरवाजे खुल गए मेरे लिए, जो कि आगे चल के बहुत कमाल होगा, बहुत कमाल। राइजिंग स्टार बहुत मेरा अहम वो रहा है मेरे लिए, क्योंकि राइजिंग स्टार की वजह से मुझे गाने मिले, विनर भी बना, तो मेरे लिए तो चांदी चांदी हो गई। तो ये सब मेरे व्यूअर्स का कमाल है, उनकी वजह से। ये सिर्फ आपकी है, ये किसी की नहीं है, सिर्फ आपके प्यार की है। सो दिस I want to dedicate this to you guys. पर्सनल लाइफ में मैं बहुत नॉटी हूँ, आई एम वेरी नॉटी पर्सन। इफ़ यू आस्क टू माई फ्रेंड्स दे विल टेल यू बेटर, बट हाँ मैं अच्छा हूँ, मूडी हूँ, बहुत मूडी हूँ मैं, लेकिन बहुत संस्कारी टाइप भी हूँ, क्योंकि माँ बाप जब सामने होते हैं पापा मेरे, तो मैं एकदम चुपचाप हो जाता हूँ। तो ऐसा है, डिपेंड्स कि फ्रेंड्स के साथ हूँ कि किन के साथ हूँ। नुसरत फतेह अली खान साहब को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो क्या बोल रहा हूँ मैं, ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट, सॉरी मेरा ध्यान चला गया, ऐसे कट कर सकता हूँ ना मैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ही वॉज द ओनली लेजेंड जिन्होंने कव्वाली को नीचे से उठा के वहाँ पहुँचा दिया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई को दरवाजे से उठा के लाल किले पे पहुँचा दिया, उसी तरह मैं उनको बहुत मानता हूँ, ये लेजेंड्स को मैं बहुत मानता हूँ, और आई होप कि मैं बन पाऊँ कभी उनके जैसा, 1% भी बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, माय गॉड व्हाट अ सिंगर ही इज, ही कैन सिंग एवरीथिंग, एवरी जॉनर ऑफ सिंगिंग, इज़ अभी नई एज के लिए ही इज लेजेंड, वी हैव अ वेरी ग्रेट सिंगर। हाँ बहुत गाने अरिजीत जी के, अरिजीत भाई के, अरिजीत भैया ने ट्वीट भी किया मेरे लिए जी, थैंक यू सो मच। तो उनका गाना है तो सलमान खान, सिर्फ भाई सलमान खान, ही इज़ माई फेवरेट, एंड मैं उनसे 2-3 बार मिल भी चुका हूँ, उन्होंने मेरे साथ गाया भी है स्टेज पे। तो सलमान खान जी के लिए गाना चाहता हूँ, आई विश कि ये कंप्लीट होगी मेरी विश, आई होप कि उनके लिए गाना गाऊँ मैं। कम से कम 3-4 अभी ठाकुर जी की कृपा से 3-4 फिल्मों में गा रहा हूँ, और बड़ी फिल्में हैं, बड़े नाम वाली फिल्में हैं, आई होप कि फिल्में रिलीज़ हों और गाना ज़रूर आए, लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सर आप अपनी टॉपिक के बारे में जरा हमें दिखाएं, जरा कैमरे ये ज़रा देखें आप, ओहो राइजिंग स्टार, जीवन दे रहो।
ये राइजिंग स्टार का ये थोड़ा सा अभी वो हो गया है, बट कोई नहीं. अच्छा ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, घूमता है, तो ये अच्छा है. उसके बाद राइजिंग स्टार की ये ब्लैक और ये सिल्वर से है, 2018, और ये विनर का टैग है. दैट्स दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये विश्वास है लोगों का जो जिन्होंने मुझे दिखाया, तो ये मेरी जनता का है. आई लव यू. क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को जो हमेशा आपको प्यार देते हैं और देना चाहते हैं? ऑडियंस से यही कहना